संस्कारधानी नगरी राजनांदगांव में महाकाल भक्त सेना और महाकाल मंदिर समिति सिंघोला द्वारा बाबा चंद्र मौलेश्वर महाकाल की पालकी निकाली गई। बाबा की शाही पालकी यात्रा से लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पालकी यात्रा में डीजे, धुमाल, राउत नाच, आदिवासी नृत्य, पंथी नृत्य के अलावा लगभग सभी प्रकार के वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्रों में बजने वाली धुनों पर संस्कारधानी के हिंदू संगठन और बड़ी संख्या में श्रद्धालु नाचते दिखे। शाही पाल की यात्रा का यह 5वां वर्ष है। आज सावन माह का 4था सोमवार है। बाबा चंद्रमौलेश्वर महाकाल की पालकी यात्रा सिंधई से प्रारंभ हुई है और हल्दी होते हुए सिंघोला में बाबा महाकाल की पालकी यात्रा का विश्राम होगा। हजारों हजार की संख्या में यात्रा में जो शिव भक्त शामिल हुए हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बार भी देश के प्रत्येक नागरिकों से आह्वान किया है कि अपने घरों पर तिरंगा फहराए 15 अगस्त के पावन पर्व पर। 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उस दिन हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी। मैं उन वीर सपूतों को भी नमन करता हूँ जिनके बलिदान से हमें आज़ादी मिली है। और भारत का प्रत्येक नागरिक जब तक यह संसार है तब तक के उनके इस आज़ादी में जो उनकी बलिदान उन्होंने जो दिया है उसको अभी हम कभी भूल नहीं पाएंगे। और हर घर तिरंगा अभियान का जो ये कार्यक्रम है तो हमने इस महाकाल यात्रा में भी तिरंगा यात्रा को जो है उसको शामिल किया है और प्रत्येक घरों में हम तिरंगा बांटते जा रहे हैं। और यात्रा में जो है वो लोग अपने हाथों में तिरंगा लहराते हुए भी चल रहे हैं। तो एक धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ राष्ट्रबोध का भी कार्यक्रम जो है आज हमने इसको प्रयास किया है शिव भक्तों के साथ इस कार्यक्रम को करने का।